जब भारत की मीडिया मोदी को देश का पापा बता रही थी, ठीक उसी वक्त भारत अपने प्रधानमंत्री के कारनामों के कारण दुनिया के सामने शर्मिंदा हो रहा था। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव को देखकर G20 सम्मेलन खत्म होते ही यूनाइटेड नेशन ने एक मीटिंग बुला ली। यूएन की इस मीटिंग में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रमुख ने भारत में अल्पसंख्यक और सांप्रदायिक घटनाओं पर गंभीर चिंता जाहिर की। इंडिया, माय ऑफिस फ्रीक्वेंटली रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर सब्जेक्टेड टू वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। मुस्लिम्स आर ऑफ्टन द टारगेट ऑफ सच अटैक्स, मोस्ट रिसेंटली इन हरियाणा एंड गुरुग्राम इन नॉर्थर्न इंडिया। लेकिन देश की मीडिया को ये तमाम मुद्दे कहां नजर आते हैं? मीडिया तो मोदी का गुणगान करने में मस्त रहती है। मोदी सरकार बनने के बाद पिछले 9 सालों से भारत में जारी हिंदू मुस्लिम पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। यूएन तक इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है, लेकिन पंत प्रधान को साफ सुन रहे हैं, जिसमें मणिपुर का माँ बोलने में मोदी जी की जुबान कांपने लगती है। तुर्क ने उस मणिपुर पर खुलकर अपनी बात रखी। In Manipur, other communities have also been facing violence and insecurity since May. There is a clear need to redouble efforts to uphold the rights of all minorities by dealing in a forthright manner with intolerance, hate speech, religious extremism and... Reports के मुताबिक मणिपुर में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 70,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। दरअसल ये बर्बादी, नफरत, भेदभाव सब मोदी सरकार के ही बीजेपी के नेता मंत्रियों ने जहरीले भाषण देकर मुल्क की फिजाओं में घृणा का जहर घोल दिया है, जिसका हासिल ये है कि ट्रेन में एक जवान दूसरे धर्म के लोगों को गोलियों से भून देता है, स्कूल में एक बच्चे को दूसरे धर्म के बच्चे से पिटवाया जाता है। सोचकर ही बदन सिहर जाता है कि आपकी नफरती मानसिकता देश को किस ओर ले जा रही है। लेकिन पंत प्रधान को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।